this hit? क्या बोल रहे सर जी? अबे तू तो बहुत फर्नीचर आ गया था, तो जैसे बड़ा फर्नीचर तो इस दुनिया में कहीं होगा ही नहीं। तो गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे कॉल दे दो, मैं तो बहुत गरीब आदमी। अबे ये सूट बूट कहाँ से पहनना, इतनी महंगी घड़ी कहाँ से लाया तू? जबान पे लगाम दिए सर जी, जबान पे लगाम दिए। मेरे पास है तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं दुनिया को दिखाता फिर है। क्या करा तू? मैं सही बोल रहा हूँ, शेख ने हमारे माँ बाप ने नाम रखा है, कुछ सोच समझ के रखा है, ऐसे ही नाम का शेख नहीं हूँ मैं। तेरा भला हो जाए, कोई भी दम नहीं तेरे नाम में। अच्छा जी, कोई भी दम नहीं, खड़े खड़े खरीद सकता हूँ मैं आपको? जी हाँ। अच्छा, वो पुराने कपड़े ढीले ढाले कपड़े पहनता तो आप क्या सोचे मेरे को हल्के मिले रहते? अच्छा जी हाँ। अच्छा 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 बोल रहे हैं, मैं खाली देख रहा था, मैं आप लोग का ड्रामा देख रहा था। नहीं तो तू बहुत जलील कर रहे थे आप लोग। नहीं तो तू मालदार घर से का, जमीन जायदाद वाला का? बिल्कुल है? अबे तो हम भी रजवाड़े हैं साले। रजवाड़े हैं आप? हम चौधरी हैं, चौधरी घर के हैं। रजवाड़े चौधरी घर से हैं। अच्छा चल बता, 500 के नोट में कितने नोट हो? 500 के नोट में कितने नोट हो? कि जितने आदमी पूछते हैं 500 में कितने जीरो लगते हैं, ये तो आप बता रहे हो 500 में कितने नोट होते हैं? काफी सारे, एक भी होगा 50 भी हो जाएगा, 500 भी हो जाएंगे। अब एक का नोट लगाएंगे तो 500 हो जाएंगे। मुझे तो लगता नहीं तू मालदार है। अच्छा सुन ले मेरी बात। हाँ। मुझे नहीं लगता तू मालदार है। तू जब मेरे पास आया था तो तू फटीचर था। अच्छा। और गिड़गिड़ा रहा था सर जी मुझे काम पे रख लो, काम पे रख लो, काम पे रख लो। हाँ। तभी आप बोलना क्या चाहते हैं? वो दिन भूल गया था तू? नहीं याद नहीं वो दिन? आपको पता है ना असली भेस अपना किसी को दिखाना नहीं चाहिए। इतना पैसा तेरे पास आया कहाँ से यो बता दे, यो पैसा तेरे पास आया कहाँ से? तुमने तो ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड पैंट, ये सही से बता दे तू, सही से बता दे, नहीं तो धोबी पाठ मारू भाई। नहीं बताता मैं, क्या कर रहे हो आप, क्या कर लो कर लो। तेरे पे पैसा कहाँ से आया यो? ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड पैंट सर जी, तेरे पे घड़ी भी ब्रांडेड है सर जी। सारे तू तो फटी चलता शेख, ऐसा कहा अगले तुमने शेख? अबे कहां का शेख है तू? ऐसा है सर जी, जमा मस्जिद अगले जुमे का आते हैं ना, जमा मस्जिद में माइक में अलाउंस करवा देगा, मेरे पास पैसे है, कैसा रहेगा ये? ढिंडोरा पिटू एक तबला लेकर के, मेरे पास पैसे है। आप बोलना क्या चाहता है? हमारे पास पैसे है तो क्या मैं मस्जिद में माइक में आवाज करवा दूं? क्या करा तू, 32 ही झाड़ दूंगा मैं तेरी, मुझे सही से बता दे, नहीं तो 32 ही भार कर दूंगा। कितने को निकाले 32 ही आप? अभी तक तो नहीं निकाल लिए, झूठ नहीं बोलना का देख। मेरे पास 32 है ही नहीं। वालों को जान देने भाई, झूठ नहीं बोलना। मेरे पास 32 ही नहीं है। और कितने दांत है तेरे? 29 है। वो ही निकाल दो। अच्छा जी सर जी, शेख 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 शेख, जबान संभाल के बात किया करो सर जी, हम छोटे हम स्टाफ है, उसको मतलब ये नहीं आप हमें जलील करेंगे। हाँ भैया, लेकिन इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आ गया ये तो बता दे मुझे। तो मैं क्यों बताऊं आपको, मैं क्यों बताऊं? मैं पैसे ईडी समझ ले साले, मैं ईडी ईडी समझ लूं ना? ईडी तो है नहीं, आप ईडी समझू कैसे मैं? आप तो ईडी है नहीं सचिन, ईडी तो है नहीं, समझ ले ना तू। समझ ले, समझ के क्या करेंगे? मुझे ईडी समझ ले। मेरे को तो लगता है आप सीडी लगते हो, ईडी कहाँ से दिख रहे हैं, सीडी है आप। इंसल्ट ना करे मेरी, बाजा जा बाजा जा बाजा जा। आइए तू बाज आ जा। शेख 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 शेख, साले पे कहां से आ गया इतना पैसा? और सदाब भाई क्या ले, मैं तुम खा खा के बकरे से हो रहे हैं, खा खा के तुम बिजार पल पल गए यहां इस होटल में, पल गए तुम बिजार बकरे हो रहे साले, मोटे हो गए हैं। यो इस पे शेख पे पैसा आया कहां से? इतना एक ब्रांडेड टी शर्ट पहनना, ब्रांडेड जूते पहनना, मैं भी देखा हूँ शेख लगता है सब नया पहना है, कहीं से माल आ गया है, लगता है एक दो नंबर का काम कर रहा है। अरे नहीं नहीं, दो तीन नंबर का लगता है कर रहा है कुछ काम। दुनिया तो दो नंबर का कर रहा है, साला तीन नंबर का कर रहा है क्या? नहीं मेरे को डाउट हो रहा है, तीन चार नंबर का लगता है काम हो रहा है। तीन नंबर का कैसा हो काम? क्या मालूम, लोग बोलते हैं चार नंबर का भी काम होता है।
अरे तू तो मजाक के मूड में, चल जा जा, तू तो मजाक के मूड में, ए चल मुर्गी जरा। सलाम अलैकुम। सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी, पहले तो ये बताओ मुझे, जल मुर्गी नहीं है, मेरा नाम अरमान है, अरमान कुरैशी। कनपटा छेद दूंगा मैं तेरा। कनपटा का ऐसे छेद दोगे? कनपटा छेद दूंगा और छेद ही दूंगा, कहवे तो अभी छेद तू। अच्छा एक बात सुनो पहले मेरी, मुझे मेरी पहले मेरी सुन ले। ये शेख का बच्चा शैतान कहीं का, पहले तो ये बताओ इसका नाम किसने रखा? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहा? घन चक्कर हो गया? घन चक्कर नहीं हो फिर? यो आज ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड घड़ी, ये साला लाया कहाँ से? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना इस पे पैसा आया कहाँ से। पैसा ऐसा नहीं है, वो तो पहले से ही ऐसा है। जूते तुम्हारे अलमारी में रखे थे, तुम्हारे जूते उठा के लेकर आया, और तुम्हारे कपड़े वहाँ लॉन्ड्री वाले के थे, वो कपड़े लेकर आया, वो तो आज भी वैसा ही है। अच्छा, और तुम वैसे ही खामे का बावले बने फिर रहे? सही बता, वो तो ऐसा ही है। इसने मेरे कपड़े चुराए और लॉन्ड्री वाले से लेकर आया? हाँ मैंने दिए थे चप्पल धुलवाने के लिए। हाँ, 10 रियाल ले गया था अभी तुमसे। हाँ 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 हाँ, तो मुझे तो दिखे नहीं, इनने क्या करा मेरे कपड़ों को? जूते तुम्हारे अलमारी में दिखाए, रात चाबी चुराई थी इनने। अरे इनने तो साले ने मेरे ही हाथ मार दिया। तुम क्या कर रहे थे? हम तो सो रहे थे। तो फिर तुझे कैसे पता चला? इसका मतलब तेरी भी मिली भगत थे कि तेरी भी मिली भगत थे साले? हमसे बता रहे थे ना वे, तो बताना मैं तुम्हें। अच्छा हाँ, कि मैं ऐसे ऐसे के सर के कपड़े मस्त लौंड वाले लाए, जूते ला के रख रखे थे, जूते लाए। भाई शेख ने तो जीना हराम कर दिया, इस शेख ने तो हमारा ऐसा जीना हराम कर दिया। चल अच्छा, तेरा हो जा चील जैसा मुंह, साले मिली भगत से लुटवा ले मुझे।